गाइस क्या कभी आपको इस प्रकार के सेंटेंस बोलना पड़ता है, जैसे कि क्या करूं, कहां पढ़ूं, कैसे जाऊं, कब आऊं, या फिर किसे बताऊं? इस प्रकार का सेंटेंस कभी ना कभी हम किसी को सजेशन लेते हुए या फिर देते हुए पूछते हैं, या फिर अगर हमें कहना हो इस प्रकार से, जैसे कि तुम्हें भरोसा कहां, हमें समय कहां, या फिर मुझे फुर्सत कहां, तुम्हें आराम कहां, या तुम्हें चिंता कहां। इस प्रकार के सेंटेंस भी हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। या फिर गरीब कहां नहीं है, भगवान कहां नहीं है, स्कूल कहां नहीं है, पक्षपात कहां नहीं है, या फिर दुष्ट लोग कहां नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं वी यूज इन आवर डेली लाइफ। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न दिस टाइप्स ऑफ शॉर्ट सेंटेंसेस विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। हेलो गाइस, दिस इज देव साहू एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल इंग्लिश गुरु, जहां आप सीखते हैं अंग्रेजी जरा हटके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम फर्स्ट कैटेगरी, जैसे कि कहां पढ़ूं, किसे कहूं, या फिर किसे बताऊं, क्या करूं, कैसे बात करूं, कब आऊं, इस प्रकार के छोटे छोटे सेंटेंस भले ही छोटे हैं बट हैं बड़े कमाल के, क्योंकि इसका प्रयोग हम अपने लाइफ में रोज करते हैं। जब हमें किसी सजेशन लेना है तब हम बोलते हैं ना, मैं कहाँ पढ़ूँ, मैं क्या करूँ, उससे कैसे बात करूँ, इस प्रकार का सेंटेंस हम अपने लाइफ में क्या करते हैं, हमेशा यूज करते हैं। तो जब हमें सजेशन लेना है किसी से, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करते हैं देखते हैं इस वीडियो में। जैसे पहला है कहाँ पढ़ूँ, तो जब यहाँ पर देखिए ये बात याद रखना कि यहाँ पर कहाँ पढ़ूँ तो कौन बोल रहा है, मैं। तो यहाँ पर जो आई है वो क्या है, हिडन है, तो उसका हम यूज करेंगे वेयर शुड आई रीड। वेयर शुड मीन्स कहाँ, शुड मीन्स चाहिए, है ना। यहाँ पर हम सजेशन क्यों लगाएंगे, शुड रीड, रीड मीन्स पढ़ना, तो वेयर शुड आई रीड, कहाँ पढ़ूं। सेकेंड सेंटेंस है किससे कहूं या फिर किससे बताऊं, तब हम उसे बोलेंगे whom should I tell, whom should I tell means किसे कहूं या फिर किसे बताऊं। या फिर इसी सेंटेंस को हम बना सकते हैं who should I tell to, दोनों का मीनिंग सेम है, सेंस निकलेगा किसे कहूं या फिर किसे बताऊं, तो हम whom लगाकर कर सकते हैं फिर who, और जब हमें who से बनाना रहेगा तो लास्ट में लगाना पड़ेगा to। अगला सेंटेंस जैसे कि क्या करूं, क्या करूं मतलब हम पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं, तब हम उसे बोलेंगे what should I do, what should I do means क्या करूं means मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं। जैसे अगला सेंटेंस है कैसे बात करूं, जब हम किसी लड़की से या फिर लड़की को लड़के से फर्स्ट टाइम बात करना चाहता है तो सोचते हैं कि उससे कैसे बात करूं यार, डर लग रहा है, तो उस सेंस में हम बोलेंगे हाउ शुड आई टॉक, हाउ शुड आई टॉक मीन्स कैसे बात करूं। अगला सेंटेंस जैसे कब आऊं, कब आऊं मीन्स हम पूछ रहे हैं उससे, एक तरीके की सजेशन है कि मैं वहां से कब आऊं या फिर वहां पर कब आऊं, तब हम उसे बोलेंगे when, कब के लिए क्या लगाएंगे, when should I come, when should I come means कब आऊं। इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस एक सजेशन के रूप में हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। तो जब भी हमें इस प्रकार के सेंटेंस बनाना पड़ेगा, कब आऊं, कब जाऊं, क्या खाऊं, क्या करूं, किससे कहूं, तब हम उसमें शुड लगाकर क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए टाइप टू देखते हैं। यहां पर हमने सीखा है तुम्हें भरोसा कहां, मुझे फुर्सत कहां, उसे आराम कहां, हमें समय कहां, तुम्हें चिंता कहां। यहां पर दिखा कि किसी को कोई समय नहीं मिलता या फिर जिसको होते ना कि मुझे तुम्हें भरोसा कहां, मतलब तुम्हें भरोसा नहीं है, यह हम क्या करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मुझे फुर्सत कहां मींस मैं खाली नहीं रहता। इस प्रकार से सेंस यहां पर नहीं का है, तो हम इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो हम इस प्रकार के सेंटेंस बोलना पड़ेगा, तब हम उसे बनाएंगे तुम्हें भरोसा कहां,
तुम्हें तुला चंद यू हैव नो बिलीव भरोसा के लिए क्या करेंगे बिलीव तो यू हैव नो तुम्हें नहीं है क्या बिलीव इट मींस भरोसा यू हैव नो बिलीव तुम्हें भरोसा नहीं है सीन्स को समझना है यहाँ पे तुम्हें भरोसा कहा मतलब किस जगह को नहीं हम नहीं है इस पॉइंट को डोनेट कर रहे हैं तो यू हैव नो बिलीव तुम्हें भरोसा कहाँ मतलब तुम्हें भरोसा नहीं है यह हम बताना चाहते हैं सेकंड से मुझे फुर्सत कहाँ मतलब मैं खाली नहीं हूं तब हम उसे बोलेंगे आई हैव नो लाइजर आई हैव नो लाइजर मीन्स मुझे फुर्सत कहाँ मतलब मैं खाली नहीं हूं इस चीज को दिखा रहा है अगला सीन जैसे उसे आराम कहाँ मतलब वो दिन भर क्या करता है काम करता ही रहता है मतलब उसके पास आराम करने का समय नहीं है तो हम उसे बोलेंगे He has no rest means उसे आराम कहाँ मतलब उसे आराम नहीं है के सेंस में हम बोलेंगे He has no rest उसे आराम कहाँ अगला सेंटेंस जैसे हम इस समय कहाँ मतलब दिन भर हम अपने डेली लाइफ में कुछ न कुछ काम करते होते क्या होते हैं बिजी रहते हैं तब हम कहते हैं हम इस समय कहाँ मिलता है मतलब हम इस समय नहीं मिलता तो उस सेंस में हम बोलेंगे We have no time. That means हमें समय कहाँ अगला सेंटेंस जैसे तुम्हें चिंता कहाँ बोलते हैं जैसे खास करके वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है तुम्हें तो बच्चों की चिंता ही नहीं है ना तो तुम्हें चिंता कहाँ तुम्हें बच्चों की चिंता कहाँ इस चीज को बोलते हैं तब हम बोलेंगे यू हैव नो वरी यू हैव नो वरी मीन्स तुम्हें चिंता कहाँ मतलब तुम्हें चिंता नहीं है इस सेंस में हम क्या करते हैं इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं यहाँ पर हैव और हैज दो हैवी वर्ब है अगर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा दैट मीन्स ही सी इट और किसी का नाम होगा उसके साथ हम लगाएंगे हैज और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हैव तो इस प्रकार की जब भी हमें नहीं है के सेंस में बोलना पड़े तो हैव नो का यूज करेंगे चलिए अगले प्रकार का सेंटेंस देखते हैं इसमें हम सीखेंगे गरीबी कहाँ नहीं है भगवान कहाँ नहीं है स्कूल कहाँ नहीं है पक्षपात कहाँ नहीं है या फिर दुष्ट लोग कहाँ नहीं है तो यहाँ पर कहाँ नहीं मतलब पूछ नहीं रहे हम यहाँ पर एक बता रहे हैं कि गरीबी कहाँ नहीं है दैट मीन्स गरीबी हर जगह है भगवान कहाँ नहीं है दैट मीन्स भगवान हर जगह है इस प्रकार के जब भी हमें सेंटेंस को बनाना पड़ेगा तब हम उसके लिए लगाएंगे जैसे फर्स्ट सेंटेंस गरीबी कहाँ नहीं है तो हम जरूर लगाएंगे पुअर्टी इज एवरीवेयर मीन्स हर जगह तो हमें बता रहे हैं गरीबी कहाँ नहीं मतलब गरीबी हर जगह है तब हम उसको बोलेंगे पुअर्टी इज एवरीवेयर भगवान कहाँ नहीं है भगवान कहाँ नहीं मतलब भगवान हर जगह है तब हम बोलेंगे गॉड इज ओमी प्रेजेंट मीन्स हर जगह है ठीक है तो गॉड इज ओमी प्रेजेंट भगवान हर जगह है थर्ड सेंटेंस जैसे कि स्कूल कहाँ नहीं है स्कूल कहाँ नहीं मतलब हर गांव में हर शहर में हर जगह क्या स्कूल है तब उस सेंस में हम बोलेंगे स्कूल इज एवरीवेयर स्कूल इज एवरीवेयर मीन्स स्कूल हर जगह है जब हम बोल सकते हैं स्कूल इज एवरीवेयर स्कूल हर जगह है इस प्रकार से सेंटेंस क्या कर सकते हैं बना सकते हैं अगला जैसे पक्षपात कहाँ नहीं है पक्षपात कहाँ नहीं मतलब जो फेवरेटिज्म है वो क्या है हर जगह है तब हम उसे बोलेंगे फेवरेटिज्म इज एवरीवेयर फेवरेटिज्म इज एवरीवेयर दैट मीन्स पक्षपात हर जगह है कहने के सेंस में जाना है नहीं है मतलब नेगेटिव नहीं हमें बता रहे हैं कि हर जगह है अगर सेंटेंस जैसे कि
दुष्ट लोग कहाँ हैं? दुष्ट लोग तो हर जगह हैं। तब हम उसे बोलेंगे द विकेड इज एवरीवेयर। द विकेड इज एवरीवेयर दैट मीन्स दुष्ट लोग कहाँ हैं, मतलब दुष्ट लोग हर जगह हैं। इस प्रकार से हम उसको क्या कहेंगे, इस प्रकार के सेंटेंस को हम बनाएंगे। जैसे हवा कहाँ नहीं है, दैट मीन्स हवा हर जगह है। इस प्रकार और इसे बोल सकते हैं ईमानदारी कहाँ नहीं है, है ना, तो ईमानदारी हर जगह है। इस प्रकार से भी हम सेंटेंस क्या करते हैं, बोलते हैं। तो जब यह कहाँ नहीं है उस सेंस को समझना है, हर जगह है, इस प्रकार से यह सेंटेंस अगर एक्सप्रेस कर रहा है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जब मैं कहाँ पढ़ूँ, किसे कहूँ, क्या करूँ, कैसे बात करूँ, कब आऊँ, जब हमें सजेशन लेना रहेगा तब हम उसके लगाएंगे सूट, है ना। और दूसरे टाइप से कैटेगरी के सेंटेंस देखा, तुम्हें भरोसा कहाँ, मुझे फुर्सत कहाँ। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, तुम्हें भरोसा कहाँ, मतलब तुम्हें भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर कहाँ का मतलब कोई प्लेस वेयर यूज नहीं करना है, इसके लिए हम यूज करना है नो। तुम्हें भरोसा कहाँ, यू हैव नो बिलीव। थर्ड कैटेगरी में जैसे हमने देखा गरीबी कहाँ नहीं है, गरीबी कहाँ नहीं है मतलब गरीबी हर जगह है। तो कहाँ नहीं है का सेंस यहाँ पर क्या निकल रहा है कि हर जगह है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने देखा कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले सेंटेंस। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग मैं तो हमेशा बोलता ही हूँ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल इंग्लिश गुरु और प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू नोटिफिकेशन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।